नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हुंडई की वर्ना गाड़ी है, पेट्रोल 2010 का मॉडल है। तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाड़ी में जब भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है तो अपन कैसा चेक करने का और फॉल्ट को कैसा ट्रेस करेंगे और कैसा क्लियर करेंगे, आज दोनों चीज़ क्लियर करेंगे। तो पहला तो आपको दिखा, तो मैं इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ मैं इसका। तो जैसा भी इग्निशन स्विच ऑन किया तो यहाँ पे देखेंगे तो जो क्लस्टर मीटर में यहाँ पे उसका चेक लाइट है वो आके चला जा रहा है और उसका सिक्योरिटी लाइट भी नहीं आ रहा है। उसके बाजू में इसका सिक्योरिटी लाइट रहता है वो भी नहीं आ रहा है और चेक लाइट आके तुरंत जाना चाहिए, तुरंत जा रहा है। उसको एक्चुअली थोड़ा रुकना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए, गाड़ी सेल्फ मारने के बाद जाना चाहिए। तो ये सडनली आके चला जाता है और उसके बाजू में उसका एक सिक्योरिटी लाइट है, इमोबिलाइजर लाइट बोलते हैं, वो भी उसका नहीं आ रहा है। तो मैंने लॉन्च का स्कैनर यहाँ पे हुकअप किया है मैंने और स्कैन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। तो अपना इग्निशन स्विच ऑन है, जाएंगे एशियन में और यहाँ पे हुंडई में नहीं करूँगा अभी, मैं इसका ईओवीडी में दिखा करूँगा। तो इसका जब भी ऐसा चेक लाइट का इशू आता है तो इसका कैन कम्युनिकेशन होता नहीं है। तो कैन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया, इट मींस उसका कुछ अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो पहला मैं कैन कम्युनिकेशन चेक करता हूँ, उसका हो रहा है क्या, स्कैनर रीड कर रहा है क्या, पहला देखता हूँ। प्रोसेस चालू है और यहाँ पे बता रहा है कि ये एक्सेस फेल बता रहा है, मतलब ये अपना ECM के साथ इसका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम आता है कैन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब का, तो आपको पहले तो उसका वायरिंग रिले फ्यूज़ वगैरह चेक करने का है और उसके बाद आगे का स्टेप है वो भी आपको मैं बताता हूँ। और वापस एक बार फॉल्ट कोड दिखाता हूँ मैं इग्निशन स्विच ऑफ करता हूँ, जैसा भी मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे उसका जो चेक लाइट है आके सडनली चला जाएगा। उसको रुकना चाहिए, गाड़ी चालू करने के बाद उसको जाना चाहिए। तो अभी आके चला गया, वापस एक बार दिखाता हूँ मैं, जैसा भी मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे चेक लाइट आके चला गया। और आगे पहला फ्यूज़ वायरिंग चेक करते और उसके बाद आगे का स्टेप देखते क्या है। और उसमें और एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो ये चेक लाइट कभी कभी आके उसका चला जाएगा, आके चला गया। इग्निशन स्विच ऑन है लेकिन ये आता है, कभी चला जाता है। उसको रुकना चाहिए, गाड़ी चालू होने के बाद जाना चाहिए। तो ये बीच में आएगा, अभी आया चला गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका मेन बाहर का फ्यूज़ बॉक्स है, तो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे इसका लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे इसका मेन रिले है और यहाँ पे उसका ECU का फ्यूज़ है। तो ऑलरेडी मैंने फ्यूज़ चेक किया, अभी बचा है ECM का जो मेन रिले है। तो मेन रिले में देखता हूँ सप्लाई आ रहा है क्या। तो इसका मेन रिले देखते हैं, तो इसके अंदर पहला तो देखते हैं कि इसके में 12 वोल्ट आ रहा है क्या, 85 और 86 में। इग्निशन स्विच ऑन किया है मैंने और यहाँ पे 20 वोल्ट DC पे सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका 11.48 के आसपास आ रहा है। इट मीन्स ये अपना जो जो 85 और 86 में जो सप्लाई है वो बराबर है। अभी देखते हैं कि 30 में, तो 30 में डायरेक्ट मेन रहता है, तो उसमें देखते हैं कि ये मेन आ रहा है क्या इसमें। तो यहाँ पे 11.87, इट मीन्स ये अपना 30 का भी जो सप्लाई है वो बराबर है, मतलब एक डायरेक्ट मेन है, एक इग्निशन का करंट और ये ECM से ग्राउंड आएगा। तो ये 30 डायरेक्ट मेन में आ रहा है उसका 1187
और यहाँ पे है इग्निशन स्विच का करंट, और यहाँ पे इसका है अपोजिट साइड में है ग्राउंड। और मैंने ये रिले भी एक्सचेंज करके देखा, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इसका ECM के अंदर है। तो आपको मैं उसका लोकेशन दिखाता हूँ एक बार। तो ये इसका लोकेशन है, इग्निशन स्विच ऑफ करो चालू। तो चालू किया, तो इसका सॉकेट खोल लिया मैंने, और यहाँ पे देखते हैं। तो ये है कैप्को का ECM है हुंडई। तो इसे ECM को एक बार खोल के मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो मेरे हिसाब से ECM के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो पहले इसको मैं खोलता हूँ। तो ECM मैंने खोल दिया और उसको थोड़ा रिपेयर भी कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है उसके यहाँ पे इसका इधर जला हुआ था, तो इसको रिपेयर किया मैंने। अभी देखता हूँ एक बार गाड़ी में लगा के कि गाड़ी चालू हो रही है क्या, और पूरा सिलेंडर लगा के पैक भी करता हूँ और दिखाता हूँ आपको मैं। तो फाइनली ECM रिपेयर हो गया है, तो एक बार लगा के देखते हैं कि इसके अंदर जो कैम कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हो रहा था, मतलब कैम डिस्टर्ब हो रहा था स्कैनर के ऊपर, वो भी चेक करेंगे, और गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है वो भी चेक करेंगे। तो पहला इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। लगा तो इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ मैं। जैसा भी ऑन किया मैंने, तो यहाँ पे इसका सिक्योरिटी लाइट और चेक लाइट आ गया। तो गाड़ी चालू होने के बाद ये चेक लाइट जाएगा, लेकिन ये सिक्योरिटी लाइट आफ्टर सम सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इट मीन्स ये अपना सिस्टम ओके, इग्निशन स्विच ऑन में ये सिक्योरिटी लाइट चला जाएगा, और जो चेक लाइट है वो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद चला जाएगा। तो पहला तो ये सिक्योरिटी लाइट आ नहीं रही थी, और चेक लाइट अपनी सडनली एक सेकंड के अंदर वो चली जाती थी। और इसमें अपना स्कैनर भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने लॉन्च का स्कैनर हुकअप किया है, और यहाँ पे देखते हैं कि अपना ये स्कैनर रीड हो रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं ASIAN में रीड करता हूँ उसको, और सीधा जाएंगे अभी हुंडई में नहीं जाऊँगा, EOBD में चेक करते उसका प्रोटोकॉल रीड कर रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे भी ये इसका सिक्योरिटी लाइट चला गया इग्निशन स्विच में, थोड़ा टाइम के बाद ऑन करने के बाद ये सिक्योरिटी लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे उसका उसने कम्युनिकेशन हो गया इसका, तो यहाँ पे उसका नो फॉल्ट कोड आ रहा है। यहाँ पे हुंडई में चेक करता हूँ उसको। तो यहाँ पे आ रहा है नो फॉल्ट कोड। तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। तो गाड़ी को कर मारता हूँ सेल्फ, और ये अपनी चेक लाइट भी चली गई, और ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।